आज हम लोग मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हार्दिक पांड्या हैं और रोहित शर्मा जो कि पूर्व कप्तान है, फ्रेंड्स दोनों प्लेयरों की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2024 के 17वें सीजन में दोनों में से किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब क्या है, आईपीएल 2024 के बाद T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया टीम को। इंडिया टीम में कप्तान जो है रोहित शर्मा है और वहीं पर वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या है। अगर दोनों प्लेयरों को देखें तो अब तक उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में? वहीं पर हम लोग मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो मुंबई इंडियंस जो कि टेबल में बिल्कुल कुल 9वें स्थान पर है, 12 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस ही जीती है और 8 मैचेस हार चुकी है। फ्रेंड्स 2 मैचेस ही उनके बाकी हैं, 2 मैचेस खेलने के बाद भी अगर उनके 12 पॉइंट होते हैं तो भी वो आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएंगे। और इस तरीके से जो कि 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है, इस बार उनको आईपीएल ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। फ्रेंड्स अब अगले साल आईपीएल 2024 के बाद अगले साल 2025 में उनको लक आजमाना होगा और अच्छा खेलना होगा। अगर अच्छा खेलेगी तभी कोई भी टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप में कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। फ्रेंड्स थैंक यू।